देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, मतलब यूनिट सेल का डेंसिटी कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, यहां पर आपको ध्यान देना है। देखिए पहले बेसिक फॉर्मूला है क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये आप सभी को पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं आपको बोला क्या मास ऑफ एटम निकालना है, मास ऑफ एटम, ठीक है, तो एटम का मास कैसे निकालेंगे आप, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर ऐसे निकालते हैं ना मोल कंसेप्ट में, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ओके ध्यान से देखिएगा, मास ऑफ एटम इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, बस यही फॉर्मूले को आप यहां पर रख दो, कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखिएगा। डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रो से करते सर। ओके मास मतलब मॉलिक्यूलर मास, ये क्या रहेगा एम, क्या रहेगा बताइए एम, बराबर है, अपॉन एवोगैड्रोस नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर एन ए से, और वॉल्यूम रहेगा सर वी, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन यूनिट सेल जो है एससी से हो सकता, बीसी से हो सकता और एफसी से हो सकता, बराबर है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहां पर जेड, क्या यूज करेंगे जेड, और जेड आपको पता है, देखिए कि जेड रहेगा नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, एससीसी के लिए एक, बीसीसी के लिए दो और एफसीसी के लिए चार रहता सर जेड, याद आ रहा आपको, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, जस्ट हम ऐसा पढ़े, देखिए फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, समझ में आ गया आपको, ठीक। इसके बाद ध्यान से देखिएगा V क्या रहता है, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और V इज इक्वल टू होता है एक क्यूबिक की अगर हम बात करेंगे तो, क्यूबिक यूनिट सेल की। ओके और रो रहेगा बेटा इसमें डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, और इसके बाद ध्यान से देखिएगा एन ए है इसमें एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, और एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू है 6.022 × 10³, है ना, कितना रहता है इसका वैल्यू 6.022 × 10³, ठीक है, क्या बचे इसमें, वी निकाल लिया हमने, ओके रो बता दिया, जेड बता दिया, एम, एम रहेगा इसमें एटॉमिक मास, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, या फिर मॉलिक्यूल रहा तो मॉलिक्यूलर मास, मैंने यहां पर ऊपर मॉलिक्यूलर मास लिखा, ओके एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, मतलब आपको कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू वी, रख लो इसको, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू वी, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू वी। अगर हम रेडियस, रेडियस एंड एज लेंथ, इसका रिलेशनशिप देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ, तो देखिए एस सी सी के लिए है बेटा ए इज इक्वल टू ट्वाइस आर, बी सी सी के लिए है ए इज इक्वल टू 4R/√3, ओके, और एफ सी सी के लिए है ए इज इक्वल टू √8 × R, जिसको हम 2√2 लिखते हैं वैसे लिख सकते हैं। ओके एस सी सी, बी सी सी और एफ सी सी, ठीक है ना, एस सी सी के लिए यह है रेडियस वाला फॉर्मूला ए इज इक्वल टू ट्वाइस आर, मतलब रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशनशिप, बी सी सी ए इज इक्वल टू 4R/√3 जो हम डिराइव किए थे, और एफ सी सी के लिए ए इज इक्वल टू √8 × R, ठीक है ना। अब इस पर न्यूमेरिकल्स रहते हैं, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स अगर आपको पढ़ने में आएंगे पूरे सॉलिड स्टेट में, बस यही टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आता है, किसकी किसके लिए, एक डेंसिटी और रेडियस और एज लेंथ, तो ध्यान से देखिएगा हम इसके स्पेशल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि डेंसिटी कैसे निकालेंगे, है ना, या फिर एज लेंथ कैसे निकालेंगे। अगर मान लो यहां पर सब दे दिया और आपको एज लेंथ निकालने के लिए पूछ रहा बी सी सी के लिए, तो सबसे पहले आपको वी निकालना पड़ेगा, v इज इक्वल टू क्या रहता है ए क्यूब, और a इज इक्वल टू कैसे बता देगा 3√3, यहाँ ये फॉर्मूले का यूज कैसे करना, ठीक है, कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये सारी टेक्निक मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, बाय।